सावधान रहने के लिए मायावती ने की रैली। शोपिया में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। बदायूं से रैलियों का रेला। अमित शाह ने विरोधियों को कहा सावधान रहें। और मोदी के सामने उतर सकती है प्रियंका। वाराणसी से मिल सकता है प्रियंका को मौका। और जलियांवाला कांड को लेकर ब्रिटेन ने से कहा गया कि वो माफी मांगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल लाइव में और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं अंशुल कौशिक। लोकसभा चुनाव 2019 का चुनावी दंगल जारी है, मगर शुक्रवार को बिहार में एनडीए के दो घटक दल भाजपा और जदयू में ही असल दंगल देखने को मिला। हाजीपुर में एनडीए की बैठक में जदयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। राम मंदिर को लेकर बीजेपी जदयू कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा इस कदर बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और दोनों के बीच कुछ हाथापाई भी हुई। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने पहुंच जेडीयू का नेताओं से बदतमीजी की और मंच से नेताओं को उतारने की भी कोशिश की। दरअसल बिहार चुनाव में मंदिर के मुद्दे को किनारे करने की बात पर सभा में भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। भरी सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने पहुंच जेडीयू नेताओं से बदसलूकी की और उनसे हाथापाई की। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा के चुनाव में मंदिर मुद्दे के किनारे किए जाने की बात सुन भाजपा के कार्यकर्ता भड़क गए और मंच के सामने पहुंच काफी देर तक हंगामा किया। जेडीयू नेता संजय वर्मा ने कह रहे थे कि हाजीपुर में राम मंदिर प्रचार का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, बस इतनी सी बात पर बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। लोकसभा चुनाव 2019 का जो सरगर्मी है वो तेज है और आपको तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल राम मंदिर को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। आपको बता दें जेडीयू और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, हालांकि गठबंधन की राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है, लेकिन इसके उलट जो ये जो झगड़ा हुआ है ये ज़रूर अपने आप में सवाल खड़े करता है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल जारी है और ऐसा ही दंगल कुछ जेडीयू और बीजेपी के बीच देखने को मिला। मंच से ही हाथापाई और हंगामा शुरू हो गया और नेता भौचक्के रह गए, क्योंकि मुद्दा असली था कि राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जिसके चलते ये दंगल हुआ है। चुनावी दंगल 2019 तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच लगातार कार्यकर्ताओं में दंगल की खबरें आ रही हैं। ताज़ा तस्वीरें लोकसभा चुनाव 2019 के चलते की हैं, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि गठबंधन है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन इससे उलट जो चीज़ें देखने को मिली वो बिल्कुल अचंभे में डालने वाली है। जेडीयू में ही असल दंगा देखने को मिल रहा है। हाजीपुर में एनडीए की बैठक में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी जेडीयू कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस कदर ये हंगामा भर गया कि हाथापाई की भी नौमत आ गई और दोनों के बीच कुछ हाथापाई भी हुई। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने पहुंचकर जेडीयू नेताओं से बदसलूकी की। दरअसल बिहार चुनाव में मंदिर के मुद्दे को किनारे करने की बात पर सभा में भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। भरी सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने पहुंचकर जेडीयू नेताओं से बदसलूकी की और उनसे हाथापाई भी की। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा
कि चुनाव में मंदिर मुद्दे को किनारे किए जाने की बात सुन भाजपा के कार्यकर्ता भड़क गए और मंच के सामने पहुंच काफी देर तक हंगामा किया। बस इतनी सी बात पर बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। दरअसल राम मंदिर के मुद्दे को किनारे करने की बात कही गई थी। आजमगढ़ के पूर्व बीजेपी सांसद रमाकांत यादव ने लखनऊ में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। 2014 में आजमगढ़ से भाजपा के टिकट पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे रमाकांत यादव, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज रमाकांत बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए। जबकि इसी सीट से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव को बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। देश में चुनावी मौसम का असर नवरात्र पर भी देखने को मिला है। मिर्जापुर में इन दिनों चुनावी मौसम में विंध्याचल मंदिर में नवरात्र के दौरान बीजेपी लिखा हुआ और कमल का फूल बना भगवा गमछे की डिमांड बढ़ गई है। मेले में दुकानों पर भगवा गमछे की धूम है। दुकानदारों का कहना है कि यह पहली बार आया है, इसकी बिक्री भी खूब हो रही है। गमछे की लगातार बिक्री है, जो इसकी डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। दरअसल जो चुनावी जो पारा है वो तो बढ़ा ही हुआ है, इस पर राजनीतिक और धार्मिक रंग भी चढ़ चुका है, जिसके चलते ये भगवा गमछे मार्केट में है और उनकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है इन गमछों पर भगवा रंग, और बीजेपी का जो कमल का जो निशान है वो बना हुआ है, उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। मिर्ज़ापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गमछे हैं जो भगवा रंग के हैं और इनके किनारों पर बीजेपी और कमल का फूल का निशान बना हुआ है, उनकी डिमांड भी दिनों दिन बढ़ रही है। नवरात्र का मेला चल रहा है, जिस बीच में ये इनकी गमछों की डिमांड बढ़ रही है। बात यह है कि हम लोग देखो दुकानदार हैं, इस बार बीजेपी का गमछा लाए हैं और भक्त लोगों का श्रद्धालुओं लोगों का ये कहना है कि बीजेपी का गमछा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी मांग हो रही है। विंध्याचल दरबार में ये गमछा पहली बार आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं और गमछों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा की जा रही है कि मतलब और गमछा वैरायटी में आइए, जय श्री राम का है, बीजेपी का है, इस गमछे की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। बीजेपी का गमछा आया है, बहुत बिक रहा है, इसे बहुत अच्छी तरह लोग पसंद कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, हम लोग इसको बेच रहे हैं अपनी दुकानों से। पूरी नवरात्र जी पूरी नवरात्रि में बिक रहा है। इससे पहले भी जी इससे पहले नहीं आया था, पहली बार आया है जी, पहली बार आया है। कस्टमरों में क्या उत्साह है इसको लेकर? कस्टमर में बहुत उत्साह है, कस्टमर बहुत अच्छी तरह से खरीद रहे हैं और मांगते हैं। खबर असम से है। असम के धुबरी लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव सिर्फ एक सीट भर की बात नहीं है, इसके कई मायने हैं जिसका असर पूरे असम पर भी पड़ेगा। धुबरी लोकसभा सीट AIUDF के सांसद बकरुद्दीन अजमल के मजबूत किलों में से एक है। AIUDF पार्टी के कमान संभालने वाले अजमल और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अबू ताहिर बेपारी के बीच धुबरी लोकसभा सीट इस क्षेत्र में घमासान युद्ध होने की संभावना दिख रही है। असम के द्वितीय शक्तिपीठ कोलियाबार के शिलाघाट स्थित कामाख्या देवालय के अशोकाष्टमी के पावन अवसर पर श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। इस कामाख्या मंदिर के पशुदेश में राज्य के विभिन्न प्रांतों से दूर दराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त महाबाहु ब्रह्मपुत्र में स्नान कर मां कामाख्या की पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के इस पवित्र दिन ब्रह्मपुत्र में गंगा नदी का पवित्र मिलन होता है। द्वितीय चरण के चुनाव के लिए वटद्रवा समष्टि की विधायिका अंगूरलता डेका ने शुक्रवार को रोहा विधानसभा समष्टि के अंतर्गत 10 क्षेत्रों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर खिलंजिया के अस्तित्व रक्षा हेतु भाजपा को मतदान करने की अपील की। आज
हाँ जी, पहला फेज का तो हमारा यहाँ पे मतदान हो गया है और जितने भी 5 सीटों का हुआ है 5 सीटों ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। और जितने भी हमारी सरकार ने काम किया है वो देखकर सभी नागरिक अपने आप ही निकल आए हैं और सभी लोगों का यही कहना है कि हमको फिर एक बार मोदी जी चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि 100% मतदान कीजिए और गलत। देश में चारों तरफ माँ दुर्गा की पूजा जोरों पर जारी है। मंदिरों में वैसे तो पूरे वर्ष हर रोज माता की पूजा अर्चना होती है, पर नवरात्र के श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन दिनों में। इन दिनों माता की विशेष पूजा दिल्ली में एक संस्था कराती है जिसका नाम है श्री वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट। यह ट्रस्ट हर वर्ष अश्विनी और चैत्र मास के दोनों नवरात्रों में नवरात्रि महोत्सव का काफी सुंदर आयोजन करती है, माता की पूजा करती है। माता की पूजा के महोत्सव में दिल्ली ही नहीं कई राज्यों से भी श्रद्धालु आकर माता की पूजा करते हैं और महामाई के गुणगान का श्रवण करते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन एवं हिमाचल प्रदेश में 5 देवियों के दर्शन व दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा भी इस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। आज श्री वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें श्री वैष्णो देवी सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान सतीश अग्रवाल ने पत्रकारों से सवालों का जवाब देते हुए बताया कि ट्रस्ट धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों को भी करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में तो ज्यादा बढ़ी जाती है, साथ साथ वो तो लगातार ही बढ़ी रहती है मंदिरों में भीड़, लेकिन नवरात्रों के दिनों में इस भीड़ में एक अलग सी एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कारण है माँ की शक्ति। वैसे तो मंदिरों में रोज ही भीड़ होती है लेकिन नवरात्रों में ये भीड़ बढ़ जाती है। जो आपसी मेलजोल है इसमें संस्था है, इसका हमने शुरू में एक उद्देश्य बनाया था जिसका टाइटल था हमारा धार्मिक सेवा हेतु कार्यक्रम तथा आपसी मेलजोल। तो इसमें क्या है, धर्म के प्रति हम जो जितने भी कार्य हैं वो सब करते ही हैं, साथ में जो आपसी मेलजोल है इसमें हमने ये रखा था जितने हमारे परिवार के मेंबर हैं उन सबके परिवारों में कोई भी सुख दुख होता है तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं। मैं संजय मित्तल दिल्ली चांदी वर्क एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं और इस संस्था का ट्रस्टी भी हूं मैं। तो मेरे को 1 साल हो गया और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बड़े बड़े यहाँ इस संस्था में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं और उनके सानिध्य में मेरे को मिलने का मौका मिला। इनका बेसिकली जो मेरे को थीम थी नर सेवा नारायण सेवा और जन जन की सेवा, उस चीज़ ने मेरे को बहुत ही आकर्षित करा और मैं बड़ा मतलब अभी भी हम जो पाइपलाइन में ले रहे हैं काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें ले रहे हैं। हम भोजन वितरण करने वाले हैं, हम जितने ये सफदरजंग हॉस्पिटल है एम्स है उसके बाहर गरीब जन है मरीज हैं उन सबको भोजन वितरण का हमारा प्लान है। तो पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। संस्था है इसका हमने शुरू में एक उद्देश्य बनाया था जिसका टाइटल था हमारा धार्मिक सेवा हेतु कार्यक्रम तथा आपसी मेलजोल। तो इसमें क्या है, धर्म के प्रति हम जो जितने भी कार्य हैं वो सब करते ही हैं। नवरात्रों में श्रद्धालुओं की एक अंदर विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, कारण है माँ का आशीर्वाद। इसके चलते एक लोग जो है जगह जगह कार्यक्रम रखते हैं और श्रद्धालुओं को न्योता देते हैं ताकि वो नवरात्र में माता की पूजा के लिए आगे आए, घर से निकले। नवरात्र के 9 दिन विशेष तौर पर माता की पूजा की जाती है। देश में चारों तरफ माँ दुर्गा पूजा जोरों पर है। तस्वीरें दिल्ली की हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन लाइव। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। चलना कॉल के चलना पसीना खून
पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना। Combat Sports Shoes brings out the best in you. आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। Combat Sports Shoes brings out the best in you. Combat Sports Shoes brings out the best in you. बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज, हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की, अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। चलना खोल के चलना पसीना खून
पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना। Combat Sports Shoes brings out the best in you. पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल केवल नेशन लाइफ पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइफ, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र, राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा, समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा। खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा। आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज, हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की, अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइफ पर।